सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण एवं मेरे सहपाठियों, आज मैं इंजल कक्षा 5th B की छात्रा आप सभी के सामने कवि सोहनलाल द्विवेदी की कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है ओस। इस कविता में कवि ने ओस की तुलना रत्नों के साथ करते हुए बहुत सुंदर शब्दों में ओस की बूंदों का व्याख्यान इस प्रकार किया है। हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियां, हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियां, कौन रात में गुथ गया है ये उज्जवल हीरों की कड़ियां, कौन रात में गुथ गया है ये उज्जवल हीरों की कड़ियां, जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यू चमचम, जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यू चमचम, नव के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यू दम दम, नव के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यू दम दम, लुटा गया कौन ये झोरी अपने घर का भरा खजाना, लुटा गया कौन ये झोरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रत्न है नाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रत्न है नाना, भरे सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली, भरे सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली, वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली, वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली, जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले आऊं, जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले आऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं, धन्यवाद आपका दिन शुभ हो।